बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ ने जासूसी थ्रिलर टाइगर 3 की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसे कोरोना महामारी के कारण रोक दिया गया था। एक सूत्र ने कहा कि टाइगर 3 का नया शेड्यूल आज यशराज फिल्म्स स्टूडियो में शुरू हो गया है। यह एक कड़ी सुरक्षा वाला सेट है और यहां से कोई भी तस्वीर लीक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस शेड्यूल के साथ साथ व्यापक रूप से सलमान और कैटरीना की फिटनेस का परीक्षण किया जाएगा। इसका ओवरसीज कार्यक्रम अगस्त के माध्यम से शुरू होने वाला है। सूत्र ने कहा कि सलमान एक ऐसी बॉडी का निर्माण कर रहे हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं किया। टाइगर 3 कैटरीना कैफ के साथ सलमान खान अभिनीत जासूसी थ्रिलर फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग है। कबीर खान द्वारा निर्देशित पहली किस्त एक था टाइगर 2012 में रिलीज हुई थी, दूसरी टाइगर जिंदा है 2017 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया था। वहीं अभिनेता विद्युत जम्वाल ने गुरुवार को मुंबई में अपनी आगामी फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा की शूटिंग शुरू कर दी है। शूटिंग शेड्यूल की शुरुआत यहां एक छोटी मुहूर्त पूजा के साथ हुई। इस खबर को विद्युत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर के साथ शेयर किया। फारूक कबीर द्वारा निर्देशित यह फिल्म मुंबई में अपने पहले शेड्यूल में और इसके बाद लखनऊ में एक और शेड्यूल में शुरू होगी। दूसरे अध्याय में विद्युत जामवाल और शिवालिका ओब्रॉय द्वारा निबंधित मुख्य पात्रों के बीच एक गहन प्रेम कहानी को दर्शाया गया है, जो इसके नाटक और एक्शन को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। सीक्वल के बारे में बात करते हुए विद्युत कहते हैं, सीक्वल हमेशा खास होता है क्योंकि यह आपके द्वारा अतीत में किए गए कार्यों का एक सुखद सत्यापन है। यह कहानी मेरे साथ प्रतिध्वनित होती है क्योंकि फिल्म ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है और सुखद अंत के बाद क्या होता है। खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा एक बड़ी उथल पुथल से गुजरने के बाद सामाजिक दबाव की चुनौतियों के बीच एक जोड़े की यात्रा का वर्णन करती है। यह फिल्म फारूक कबीर द्वारा लिखित और निर्देशित है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप में अपलोड करने के आरोप में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले के सामने आने के बाद शर्लिन चोपड़ा भी चर्चा में है। अब शर्लिन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रही हैं, नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई पत्रकार और मीडिया रिपोर्टर्स मुझे कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं ये जानने के लिए कि इस विषय पर मेरा क्या कहना है। आप सबको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, औरों की तरह जो कहते हैं माय हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई, ये शहर या देश छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। मार्च 2021 में साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया। दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करती हूं, खासतौर पर पत्रकारों से और मीडिया के रिपोर्टरों से ये निवेदन करती हूं कि वो महाराष्ट्र साइबर सेल से संपर्क करें और अपने प्रश्न उनके सामने रखें और हो सके तो उनसे मेरे बयान के कुछ एक्सर्ट्स शेयर करने की विनती करें।
राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अभिनेता संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर संजय दत्त ने अपनी लेडी लव को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है। संजय दत्त ने अपने इंस्टाग्राम पर मान्यता संग अपनी कुछ तस्वीरों का रोमांटिक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, वीडियो के बैकग्राउंड में मेरी दुनिया है तुझ में कहीं गाना चल रहा है। बता दें कि 7 फरवरी 2008 को संजय दत्त ने करीब 21 साल छोटी मान्यता से शादी रचाई थी। अब दोनों जुड़वा बच्चों, एक बेटी और एक बेटे के माता पिता हैं। संजय दत्त के वर्क फ्रंट की बात करें तो इस साल उनकी 3 बड़ी फिल्में KGF चैप्टर 2, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया और शमशेरा रिलीज हो सकती है। टीवी पर बिग बॉस के 15वें सीजन से पहले बिग बॉस OTT पर शुरू हो रहा है। सलमान खान ने शो की आधिकारिक घोषणा एक मजेदार प्रोमो के साथ कर दी है, साथ ही शो को लेकर कुछ दिलचस्प बातें भी बताई। वहीं बिग बॉस के घर में धमाल मचा चुकी राखी सावंत से जब बिग बॉस के OTT पर शुरू होने पर उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। इस बार का बिग बॉस मैम वुड पे आएगा और 6 महीने चलने वाला है मैम, तो आप तो कुछ धमाल करके आए बिग बॉस के हाउस में, तो मैम आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता मैम, बताइए। आपने तो पूरे इधर सब लिखा हुआ था बिग बॉस वुड। अभी कुछ सोच रहे बोले। कुछ देर बाद राखी बोली, हमको तो जितना बोलने के लिए बोलते हैं हम उतना ही बोलते हैं। और शो के बारे में मैं बोल नहीं सकता जब तक अलाउड ना, स्पेशली सलमान खान जी जुड़े हैं इसलिए। सलमान सर तो बोलते मेरे को टीवी पे दिखा देखने का बिग बॉस। सलमान जी के बगैर बिग बॉस अधूरा है। सलमान जी है तो बिग बॉस है, और बिग बॉस है राखी है। बट कुछ हर वक्त कुछ नया कर रहे तो अच्छी बात है। वेरी हैप्पी। फिलहाल बिग बॉस का प्रोमो और राखी की चुप्पी देखकर लगता है कि इस बार शो काफी दिलचस्प होने वाला है। एक्ट्रेस राधिका आप्टे, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और वर्सेटाइल रोल से लाखों करोड़ों फैंस का दिल जीता है, वो अब दोबारा स्क्रीन पर वापसी करने जा रही हैं। राधिका आप्टे कोविड-19 की वजह से इंडिया से दूर अब तक अपने हस्बैंड के साथ लंदन में थी, अब वो वापस मुंबई आ गई हैं और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिसेज अंडरकवर की शूटिंग स्टार्ट कर चुकी हैं। राधिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी एक हैप्पी पिक्चर पोस्ट की जिसमें राधिका ब्लैक टी शर्ट और ग्लासेस के साथ नजर आ रही हैं। उनका यह हैप्पी फेस साफ बता रहा है कि वो वापस सेट पर आकर कितनी एक्साइटेड हैं। राधिका ने अपने पिक्चर के साथ कैप्शन में लिखा, हैप्पी टू बी बैक ऑन द फिल्म सेट। राधिका अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल्स के लिए जानी जाती हैं। उनका ये बोल्ड अवतार फैंस को काफ़ी पसंद आता है। राधिका बदलापुर, लव स्टोरी, रात अकेली है, पैडमैन जैसी बड़ी पिक्चरों में काम कर अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। राधिका OTT प्लेटफॉर्म पर भी अपनी एक्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है। बता दें, राधिका आखिरी बार सीरीजों के कंप्यूटर में नजर आई थी। राधिका ने अब अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिसेज अंडरकवर के लिए शूटिंग शुरू कर दी है। एक्टर पार्थ समथान और एक्ट्रेस नीति तेलर के मशहूर शो कैसी है यारियां को 7 साल पूरे हो चुके हैं। कैसी है यारियां चैनल MTV का एक समय का सबसे फेमस शो हुआ करता था। शो को 7 साल पूरे होने की खुशी में पार्थ
उर्फ मानिक और नीति टेलर उर्फ नंदिनी ने वर्चुअल रीयूनियन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया। दोनों ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आकर शो के 7 साल होने की खुशी मनाई। इस शो के फैंस के लिए ये किसी स्पेशल ट्रीट से कम नहीं था। पार्थ और नीति ने शो से जुड़ी स्पेशल यादों को याद किया और साथ में बहुत बातें और हंसी मजाक भी किया। बता दें कि ऐसी यादें साल 2014 में MTV चैनल पर शुरू हुआ था। शो ने फैंस के दिल में बहुत जल्दी जगह बनाई थी। शो को काफी फेम और सक्सेस भी मिला, जिसकी वजह से कैसी यारियां लंबे समय तक चला और इसके 2 सीजन टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुए और इसका 3rd सीजन वूट ऐप पर ब्रॉडकास्ट हुआ था। फैंस को मणिक और नंदिनी के बीच की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई थी। बहरहाल अब पार्थ और नीति टेलर अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं। आखिरी बार पार्थ को कसौटी जिंदगी में एज अ लीड एक्टर देखा गया था और नीति टेलर को शो इश्कबाज में देखा गया था। अब फैंस को पार्थ और नीति टेलर की स्क्रीन पर वापसी का बेहद इंतजार है। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों फिर से एक साथ वापस आएंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।